आज हम GTA 5 में इंस्टॉल करने वाले हैं 10 सेलिब्रिटीज, 5 सुपर हीरोज, 5 कार्टून्स एंड 5 अदर गेम्स कैरेक्टर्स। बेसिकली आज हम एडोन पेट्स मोड इंस्टॉल करने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा 25 पेट्स। अगर आपने भी इतने सारे सेलिब्रिटीज, सुपर हीरोज, कार्टून्स एंड दूसरे गेम्स के कैरेक्टर्स को अपनी GTA 5 में इंस्टॉल करना है तो ये मत सोचना कि इतने सारे पेट्स हैं तो गेम लेग हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, हमारी गेम एरर आ जाएगा, हमारा लो एंड पीसी है, इतने सारे पेट्स नहीं चलेंगे। देखो भाई, ये मोड लो एनपीसी में भी बड़ी आराम से चल जाता है। मेरा खुद का लो एनपीसी 3GB रैम है एंड 1GB ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन फिर भी ये 25 पेट्स तो क्या, अगर मैं 50 मोड्स में इंस्टॉल कर लूं तो भी आराम से चल जाएंगे, क्योंकि ये मोड लो एनपीसी के लिए भी कंफर्टेबल है। अब अगर आप भी इस मोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एडोन पेट्स एंड नेटिव UI का मोड डाउनलोड कर लो, देन उसके बाद पेट्स को भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड आप खुद ही कर लेना, बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाएंगे, ना कि इंस्टॉल कर रहा हूं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें इन दोनों फाइल्स को एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी ओपन करके सिंपली यहाँ पर राइट साइड में अपना एडोन पेट्स वाला फोल्डर ओपन कर लेना है। देन GTA की मेन डायरेक्टरी में एक स्क्रिप्ट वाला फोल्डर बना देना है। अगर मेरे पास तो मैंने बना दिया, अगर आपके पास नहीं है तो न्यू फोल्डर बना के क्रिएट कर देना। उसके बाद एडोन पेट्स वाले स्क्रिप्ट में जाएंगे एंड यहाँ GTA के स्क्रिप्ट में जाकर यहाँ से पेट सिलेक्टर को सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। अभी हम एक बार बैक आ जाएंगे एंड उसके बाद ये जो तीन फाइल्स है ना, एडोन पेट्स एडिटर, एडोन पेट्स वार्स एंड चेंज लॉग, इनको सिंपली ड्रैग करके GTA की मेन डायरेक्टरी में ड्रॉप कर देना है। नाउ हमने एडोन पेट्स वाले फोल्डर को कट करके यहाँ पर रिलीज वाला फोल्डर ओपन कर लेना एंड यहाँ से नेटिव UI एंड नेटिव XML वाले फाइल को सिंपली ड्रैग करके स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में ड्रॉप कर देंगे। अभी हम इन दोनों फाइल्स को सिंपली कट करके अपना ओपन IV ओपन करके सिंपली एडिट मोड को भी इनेबल कर लेंगे, देन मोड्स में जाएंगे। अगर आपके पास मोड्स वाला फोल्डर नहीं है तो इस वीडियो को देखकर मोड्स वाला फोल्डर क्रिएट कर लेना। अभी अपडेट में जाएंगे 64 DLC पैक्स एंड यहाँ पर एडोन पेट्स वाला फोल्डर ओपन करके इसके DLC पैक्स वाले फोल्डर में जाएंगे एंड सिंपली यहाँ से एडोन पेट्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। नाउ इसको कट कर लेंगे, GTA 5 के मेन डायरेक्टरी में चले जाएंगे। उसके बाद मोड्स में जाएंगे, update.rpf कॉमन डेटा एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद DLCList.xml वाले फाइल पर राइट क्लिक करके एडिट करेंगे एंड यहाँ पर भी फुल स्क्रॉल करके यहाँ से लास्ट वाली लाइन को सिंपली हम कॉपी कर लेंगे एंड इसको लास्ट में ही टेप करके एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ही इसको इस लाइन को पेस्ट कर देंगे। लाइन को पेस्ट करने के बाद सेंटर वाला वर्ड इसको कट करेंगे एंड यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे अब एडोन पेट्स लिखकर सिंपली सेव कर लेना। नाउ इसको कट कर लेंगे, अपना एडोन पेट्स वाला मोड इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम सेलिब्रिटीज, सुपर हीरोज, कार्टून्स एंड अदर गेम्स कैरेक्टर्स को इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ओपन IV ओपन करके सिंपली एडिट मोड को इनेबल कर लेंगे। देन हम मोड्स में चले जाएंगे, मोड्स वाले फोल्डर में जाकर अपडेट में जाएंगे, 64 DLC पैक्स, एडोन पेट्स, DLC.rpf, pets.rpf। देन उसके बाद सबसे पहले हम सेलिब्रिटीज को इंस्टॉल करते हैं, तो सिंपली सेलिब्रिटीज वाले फोल्डर में चले जाएंगे एंड यहाँ पर इन सारे फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप भी कर लेना। यहाँ पर हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करके सिंपली Each separate file to separate folder कर देंगे। अभी यहाँ पर आप थोड़ी देर वेट करोगे तो अपने सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी हम मोड खाबी लेम वाले में जाएंगे, मोड खाबी लेम एंड यहाँ से इन चार फाइल्स को सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे ओपन IV में। नाउ हमने बैक आ जाना है, देन फिर से बैक आएंगे। उसके बाद सेकंड फाइल को एंड्रयू टेट वाले को छोड़कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाले में चले जाएंगे, एडोन पेट में जाएंगे, यहाँ से इन चार फाइल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद फिर से बैक आकर रोमन रिंग्स वाले में जाएंगे, नो अपर वाले फोल्डर में चले जाएंगे एंड यहाँ से भी इन चारों फाइल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अभी हम बैक आकर सिंपली फोर्थ मोड को भी ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इन फाइल्स को एंड फिर से बैक आकर अपना फिफ्थ मोड ओपन करेंगे, प्रेसिडेंट वाला, एंड यहाँ से भी इन चारों फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एंड अभी सेम इसी तरह जितने भी अपने फाइल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं उन सभी में जाकर इन चारों फाइल्स को सिलेक्ट करके सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। नाउ हमने सभी को कॉपी पेस्ट कर दिया ओपन IV में, तो इसको मिनिमाइज कर लेंगे एंड यहाँ पर हम बैक आएंगे। उसके बाद फिर से बैक आएंगे, एंड्रयू टेट वाले फोल्डर में जाएंगे और अपनी GTA की मेन डायरेक्टरी ओपन कर लेंगे। देन हम यहाँ पर मेन्यू स्टेप में जाएंगे, देन यहाँ पर आउटफिट में जाएंगे। उसके बाद एंड्रयू टेट वाले फाइल को सिंपली ड्रैग करके आउटफिट वाले फोल्डर में ड्रॉप कर देंगे। नाउ हमने इन दोनों फोल्डर को सिंपली कट कर लेना है। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि अपना ओपन IV ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर हम कार्टून्स वाले
वाला फोल्डर ओपन करेंगे जो कार्टून हमने डाउनलोड किए थे, तो इनको भी सिंपली हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सारे फोल्डर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम डोरेमोन वाले में जाएंगे, एरिया से डोरेमोन वाले फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सेम उसी तरह जैसे हमने सेलिब्रिटीज को इंस्टॉल किया था, वैसे ही इसी तरह कार्टून्स को भी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखना, चिंगम वाले में इन चारों फाइल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद बैक आकर मिस्टर बीन वाले में V1 वाले में जाना है। आप ऐसा करना कि V2 वाले फोल्डर से मिस्टर बीन वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। ड्रैगन बॉल Z वाले में जाएंगे, एरिया से इन गोकू वाले फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद सिंपली बैक आ जाएंगे, VIP शिनचैन वाले में जाएंगे, शिनचैन एरिया से इन चारों फाइल्स को सिलेक्ट करके सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। नाउ हमें इस फोल्डर को कट करके अदर गेम्स कैरेक्टर्स वाले में चले जा रहे हैं, एंड यहाँ से भी इन चारों फाइल्स को सिलेक्ट करके असेंबली एक्सट्रैक्ट टू सेपरेट फोल्डर कर देंगे। सॉरी, 5 फाइल्स को 4 फाइल्स को, यार गलती से बोल गया। नाउ यहाँ पर हम टॉमी वर्सिटी वाले में जाएंगे, एंड यहाँ से इन तीनों फाइल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सभी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहे हैं। देन हम इसमें जाएंगे आर्थर मॉर्गन पैक डिफॉल्ट में जाएंगे, एंड यहाँ से भी इन चारों फाइल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद बैक आ जाएंगे, फिर से बैक आ जाएंगे, देन यहाँ पर स्ट्रीम पबजी में जाएंगे, स्ट्रीम पबजी एंड यहाँ से इन तीनों फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एंड इसी तरह बाकी जो 2 फाइल्स रहते हैं उनको भी सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। नाउ हमने इस फोल्डर को भी कट करके अपना लास्ट वाले सुपर हीरोज वाला फोल्डर ओपन कर लेना, एंड यहाँ पर आप वो 4 फाइल्स दिख रही होंगी, तो इनको एक्सट्रैक्ट कर लेना। बैक आ जाएंगे, विनम में जाएंगे, एंड यहाँ से विनम को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे, देन हम स्पाइडर मैन वाले में जाएंगे, एंड यहाँ से ऊपर वाले जो 4 फाइल्स है ना जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ही आप भी सिलेक्ट कर लेना, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ओपन आईवी में। नौ बैक आ जाएंगे, उसके बाद हल्क वाला फोल्डर ओपन करेंगे, एंड लास्ट वाले 4 फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ से। अभी हम इस फोल्डर को कट कर लेंगे, एंड सिंपली ऐसा करेंगे अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी को ओपन कर लेंगे। नौ आपको डोन पेट्स एडिटर वाला फाइल दिख रहा होगा, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली अपना ओपन आईवी ओपन कर लेंगे, एंड यहाँ से टॉम यूनिवर्सिटी वाली फाइल पर राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लेंगे, एंड उसके बाद इसका नेम कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पर पेट्स में चले जाएंगे, न्यू पेट पर क्लिक करेंगे, एंड मॉडल नेम इसको पेस्ट कर देंगे। देन इसमें पेट टाइप में मेल करके स्ट्रीम नेम रिट्रीव करके एड पेड कर देंगे। देन पबजी वाले को रीनेम करके इसका भी नेम कॉपी कर लेंगे, एंड सेम पहले फाइल वाली तरह इसको भी न्यू पेड में जाकर मॉडल नेम में पेस्ट करेंगे। पेड टाइप में इसको फीमेल कर लेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग में ट्रू कर देंगे, इसको फीमेल कर लेना याद से, स्ट्रिंग में ट्रू करके इसको भी एड पेड कर देंगे। देन थर्ड वाले फाइल को छोड़ देंगे क्योंकि ये अपना पहले से इंस्टॉल हो चुका है, तो आर्थर मॉर्गन वाले को कॉपी करेंगे, पेड में चले जाएंगे, न्यू पेड यहाँ पर इसका वो पेस्ट कर देंगे नेम। उसके बाद इस मेल में जाएंगे, स्ट्रीम नेम याद रखना कि पास कर लेना इसमें। तभी हमने ऐसा करना है कि जितने भी YTD वाले फाइल है ना इनके ऊपर राइट क्लिक करके इनका नेम रीनेम करके इनके नेम्स को कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पर जैसे आपने पहले किए हैं उनको भी यहाँ पर पेस्ट करके पेड टाइप में मेल कर देंगे, स्ट्रीम में सभी को फॉल्स करके एड पेड कर। अगर आपको अभी भी समझ ना आए तो इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखना, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इंस्टॉल कर लूँ वैसे भी आप ही इंस्टॉल कर लेना। फाइनली सभी पेड्स को एड ऑन पेड्स एडिटर में इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम रीबिल्ड पर क्लिक करके ओके करके इसको कट करेंगे, इसको भी कट करके अपनी GTA 5 ओपन कर लेंगे। गेम ओपन करने के बाद सिंपली हमें कीबोर्ड में L प्रेस करना है, आपके सामने एड ऑन पेड्स का मेन्यू खुल जाएगा। देन अभी हमने यहाँ पर एड ऑन पेड्स पे एंटर करना है, उसके बाद ये सारे पेड्स है अपने पास टोटल 26 पेड्स है, जिसके ऊपर भी आप एंटर करोगे वो आपका प्लेयर उसी पेड में चेंज हो जाएगा।